52nd टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम। अभी हमारे इंडिया में 51 टाइगर रिजर्व हैं। कुछ दिन पहले फरवरी में ये 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था जो तमिलनाडु में, तो अब ये 52nd टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, ये राजस्थान में होगा। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ राजस्थान में, और इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा देने जा रही है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। इसने अभी नोट दे दिया, मतलब अपनी अप्रूवल दे दी है। इसकी टेक्निकल कमेटी है, एक कुछ सदस्य की कमेटी है इस अथॉरिटी की। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर काम करती है। 1972 का वाइल्ड लाइफ एक्ट है, उसके जरिए बनाई गई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इसके अप्रूवल से ही कोई टाइगर रिजर्व बनाया जाता है। तो इसको रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 52nd 52वां टाइगर रिजर्व बनाने जा रहे हैं राजस्थान में, और राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा। राजस्थान में तीन टाइगर रिजर्व और भी हैं, और इंडिया का कौन सा होगा 52nd टाइगर रिजर्व। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है राजस्थान में, राजस्थान में कहाँ पे, ये जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है आपको, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के पास है। ये और भी प्रोटेक्टेड एरियाज है राजस्थान के, ये वाले, ये आप पॉज करके देख सकते हो कौन कौन से एरिया हैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। तो इसमें सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, जो बूंदी सिटी है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में जो बूंदी सिटी है उससे 45 किलोमीटर दूर है, बूंदी नैनवा रोड पे है ये। रामगढ़ विलेज है यहाँ पे, गांव है एक रामगढ़ नाम का, उसके पास है ये। कब एस्टेब्लिश की थी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1982 में की थी ये एस्टेब्लिश, मतलब इसको बनाया था। एस्टेब्लिश का मतलब क्रिएट करना, बनाना, सेटअप करना। और 252.79 स्क्वेयर किलोमीटर का इसका एरिया है। एरिया याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कितना कितना नहीं है। एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व में जो कन्वर्ट की जा रही है, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया लगभग 1017 स्क्वेयर किलोमीटर का होगा, और ये टू फॉरेस्ट ब्लॉक को कवर करेगा। यहाँ पे जैसे भीलवाड़ा एक जगह का नाम है, टेरिटोरियल फॉरेस्ट है जो बूंदी के ही ब्लॉक के पास है, और एक इंदरगढ़ है, ये पड़ता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व है उसके बफर जोन में। बफर जोन होता है, जैसे मान लो ये टाइगर रिजर्व है, इसका बीच वाला होगा कोर एरिया, फिर होगा बफर जोन, फिर होगा ट्रांजिशन जोन। तो इसका जो बफर एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया ही होते हैं, उनको बीच वाले को बोल देते हैं कोर, बफर, और फिर आपका ट्रांजिशन। तो बफर जोन है, उसके आसपास का कुछ एरिया भी इसमें आता है टाइगर रिजर्व में, जो रामगढ़ वाला टाइगर रिजर्व है जो बनने जा रहा है। इसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें फ्लोरा पाए जाते हैं। फ्लोरा का मतलब है प्लांट और ट्रीज। यहाँ पे पेड़ पौधे कौन से मिलते हैं, ढोक, खेर, सालर, खिरनी और मैंगो बेर टाइप के ट्री मिलते हैं। ये है आपका ढोक, ढोक ट्री है, ढोक का पेड़। और ये है आपका, ये है खैर ट्री, खैर, इसे खैर बोलते हैं। ये है आपका सालर, इसे सालर बोलते हैं। और ये है आपका खिरनी, खिरनी। और ये है आपका मैंगो, मैंगो का, ये मैंगो लगे हुए हैं, तोड़ सकते हो आप, खा सकते हो यहाँ से। और ये है आपका बेर का पेड़, इस पे भी बेर लगे हुए हैं। इसमें फौना कौन कौन से पाए जाते हैं, यानी कि फौना का मतलब होता है एनिमल्स, पशु कौन कौन से मिलते हैं, एनिमल्स या बर्ड, पक्षी, पशु पक्षी कौन कौन से मिलते हैं। इसमें पशु मिलते हैं मेनली लियोपर्ड, सांभर, सांभर एक इसकी डियर की प्रजाति होती है, हिरण की, वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, चिंकारा, ये भी डियर की प्रजाति है, हिरण की, स्लॉथ, बियर, ये एक भालू सा होता है, इंडियन वॉल्फ, वॉल्फ बोलते हैं भेड़िया को, भारतीय भेड़िया, कुत्ते की तरह दिखता है ऐसा कुछ होता है, हीना है, ये भी एक ऐसा ही होता है, इसकी तरह दिखता है, वॉल्फ की तरह ही, जैकॉल, फॉक्स, लोमड़ी, डियर, हिरन ही होता है, और ये क्रोकोडाइल, मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये है आपका लियोपार्ड, पहले भी देखा हुआ हमने, लियोपार्ड है। और ये है आपका सामर, सांबर है, ये डियर है, हिरन की प्रजाति है। ये आपका जंगली सुअर है, जंगली सुअर, वाइल्ड, वाइल्ड बोर। और ये आपका चिंकारा, इसके सींग देखो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये आपका, ये हो गया जंगली सुअर हो गया, ये हो गया आपका इंडियन वॉल्फ, इंडियन वॉल्फ हो गया ये वाला, ये इंडियन वॉल्फ है आपका। और ये वाला है, ये इंडियन वॉल्फ से पहले स्लॉथ बियर, ये स्लॉथ बियर है आपका, स्लॉथ बियर। और ये है आपका जैकॉल, जैकॉल। और ये है आपका हीना, हीना कुछ ऐसा ही होता है, जैकॉल के टाइप का, इसी प्रजाति का है। और ये है आपका मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। और ये है आपकी फॉक्स, लोमड़ी। तो ये इसमें एनिमल्स मिलते हैं। और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं तीन राजस्थान में, एक है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये कोटा में पड़ता है, कोटा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तीन टाइगर रिजर्व और में, और भी राजस्थान में प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे नेशनल पार्क है, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं संरक्षित क्षेत्र, कुछ जंगल को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करते हैं, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे आपका टाइगर रिजर्व हो, ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज में ही आते हैं।
तो ये डिजर्ट नेशनल पार्क भी है जैसलमेर में, ये तो 3 से 4 बार पूछ चुका है यूपीएससी डिजर्ट नेशनल पार्क के बारे में। ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, जैसलमेर और वहाँ पे ये आपकी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट आसपास है, वहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। केवला देव नेशनल पार्क है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, भरतपुर में पड़ता है। और एक सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उदयपुर में पड़ता है। और ये आपका नेशनल चंबल सेंचुरी है, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो ट्राई जंक्शन एरिया है, इन तीनों के पास है नेशनल चंबल सेंचुरी। तो ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। और पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, मतलब टाइगर का मतलब टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को हर साल, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि टाइगर को कंजर्व किया जा सके, टाइगर को बचाया जा सके, संरक्षित किया जा सके। इंडिया ने कुछ प्रोग्राम चलाए हुए हैं टाइगर को बचाने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर एक, ये 1973 में लॉन्च किया था, 9 टाइगर रिजर्व से स्टार्ट किया था, जब ये स्टार्ट किया था 9 टाइगर रिजर्व में ये स्टार्ट किया था, ताकि जो टाइगर के एनिमल्स हैं उनको बचाया जा सके। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, प्रोजेक्ट टाइगर मतलब स्पॉन्सर स्कीम का मतलब हो जाता तो होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाती हैं और दोनों ही उसमें इंप्लीमेंट करती है, लागू करती हैं। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ मनी प्रोवाइड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करती है, ये दोनों करती है स्पॉन्सर, सेंटर और स्टेट दोनों करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की ये स्कीम है प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर अभी 51 टाइगर रिजर्व में चल रहा है, क्योंकि अभी 51 टाइगर रिजर्व में और 52वां ये बनने जा रहा है 52nd, तो 52nd में भी ये कर दिया जाएगा। और जितने ये 51 टाइगर रिजर्व है, हमारा जो कंट्री का टोटल जियोग्राफिकल एरिया उसका 2.21% एरिया कवर करते हैं भूमि का, लैंड का। ये जो टाइगर का कोर बफर जो स्ट्रेटजी है, इसके लिए टाइगर रिजर्व में चलाया गया है। कोर और बफर के जोन क्या होते हैं वो हमने ऊपर देखे थे, या फिर आसपास के जो नेशनल पार्क या सेंचुरी का स्टेटस है वहाँ पे भी चलाया जाता है, जो इसके पास आसपास मिक्स फॉरेस्ट या नॉन फॉरेस्ट जो लैंड है उसको मैनेज करने के लिए टाइगर रिजर्व को, जो आसपास जो एरिया है मिक्स फॉरेस्ट हो या नॉन फॉरेस्ट हो उसके आसपास ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है, ताकि टाइगर को संरक्षण किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। जो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो डिक्लेयर करती है टाइगर रिजर्व, अप्रूवल देती है, ये लॉन्च की थी, बनाई थी 2005 में, 2005 में बनाई थी। एक टाइगर टास्क फोर्स बैठी थी कुछ मेंबर की, उसने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी। ये 1972 का ये एक्ट है हमारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। हर साल क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स, सब में कुछ भी रिलेटेड हो इसके बारे में जानकारी मिले आपको पढ़नी पढ़नी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसके जरिए बनाई गई, यानी कि एक स्टैचुटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर ही काम करती है, ऑटोनोमस बॉडी है। एक एम स्ट्रिप नाम की ऐप चलाई थी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने, ये ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है एम स्ट्रिप, इसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम में पूछ लिया था क्वेश्चन, सिर्फ इतना। एम स्ट्रिप किससे रिलेटेड है, वहाँ पे कुछ लिखे हुए थे टाइगर के कंजर्वेशन से, किससे रिलेटेड है, तो उसका आंसर था टाइगर के कंजर्वेशन से, सिर्फ इतना पूछ लिया था, ये पूछ चुका यूपीएससी। इसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ऐप बेस्ड है, मोबाइल पर जैसे ऐप होती हैं मॉनिटरिंग करते हैं इसमें। और ये NTCA ने डेवलप की थी, लॉन्च की थी 2010 में। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है टाइगर का। देखो जो हमारा इंडिया का जो एक्ट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें लिस्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो शेड्यूल 1 कहते हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4 ऐसे, उसके शेड्यूल 1 में ये लिस्टेड है टाइगर। और जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1948 में जूलियन हैक्सले नाम के आदमी ने बनाई थी, और पूरे वर्ल्ड वाइड प्लांट ट्री वगैरह जो एनिमल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसकी कोई 9 लिस्ट है, 9, उनमें ये स्टेटस देती है जिसको जितना डेंजर है, खतरा है उसके हिसाब से। तो ये टाइगर को एंडेंजर लिस्ट में डाला हुआ है IUCN ने। ऐसे ही एक साइट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, एक ट्रीटी है, ये संधि है, कन्वेंशन बोलो, ऑर्गेनाइजेशन बोलो, संस्था बोलो, कुछ भी बोलो, इसकी लिस्ट है 1, 2, 3, उनको अपेंडिक्स 1, 2, 3 बोलते हैं, इसकी अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है टाइगर। तो यही था टाइगर के बारे में और इस टाइगर रिजर्व के बारे में इस लेक्चर में।